अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुहेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉइंट बी लोन एप्लीकेशन के ऊपर कि आपको इसके ऊपर लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज इस एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे। बहुत सी लोन एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे आप लोन अप्लाई करते हैं, आप वहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहाँ पे आपको लोन नहीं मिलता। तो इस एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे कि आपको इस एप्लीकेशन पे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन बंदा एलिजिबल है और कौन नहीं है, आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस पर लोन लेना चाहते हैं तो इसका पहले ये रिव्यू है आज का देख लेना और उसके बाद आपने इसके ऊपर लोन अप्लाई करना। तो आज इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच रहे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सपोज करके लोन लेते हैं और जब आप रीपे करते हैं तो एक ये सूद होता है, तो हमारे इस्लाम में सूद देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं। तो मैं एक बंदे किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोन अप्लाई करें, ज़रूरत पड़े तो अल्लाह कभी ना ऐसा करे कि आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो ऐसी है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर लोन लेना है तो अगर आपने अप्लाई किया है तो बहुत से लोग मैंने कमेंट्स देखे लोगों के कि वहाँ पे कह रहे थे कि हमने रीपे कैसे करना है, अगर हमने अप्लाई करना है तो हमने वहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर है वो किस तरह वहाँ से रिमूव करना है। तो आज के इस वीडियो में सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो अगर आप कहते हैं कि जी हम लोन लेके भाग जाएंगे तो एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं कि जब आप स्टार्ट में एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन करते वक्त आप उससे सब परमिशन आपके सामने आती है, ठीक है, हमारी लोकेशन होती है, उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारी जो गैलरी होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती है। हम उनको खुद अलाउ कर देते हैं कि जी आप हमने आपको एक्सेस दिया है तो आप यहाँ पर हमारा डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि आप लोन रीपे नहीं करते तो ये क्या करते हैं कि फिर आपको ब्लैक मेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे कि इसके ऊपर आपने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है, और दोबारा रीपे करना है तो किस तरह करना है और हमें सूद इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जाके हम सीखते हैं कि हमने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, इसके ऊपर लोन अप्लाई करना है या नहीं करना और करना किस तरह, तो सारी चीज़ें जाके सीखते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ भी हमने जो लोन एप्लीकेशन है कॉइन बी, इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री टू परमिशंस, ठीक है। हम यहाँ पर जब परमिशन देंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हम ये जो हमने इनको खुद क्या कहते हैं कि सारी हमने इसको एक्सेस देनी है ताकि ये इजीली आपको सर्च कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है अलाउ कॉइन बी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे हम खुद अलाउ कर रहे हैं कि हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, हमारी पिक्चर्स भी, हमारी हम अपनी फाइल की एक्सेस दे रहे हैं। यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो हम आगे इंटर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हमारी लोकेशन है ऑटोमेटिकली फिच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे कैलेंडर, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट की जो है ना, हमारे जो फ़ोन नंबर होते हैं हम उसकी भी एक्सेस दे रहे हैं। अगर हमने सपोज करें हमारे हमारे पापा का नंबर है, मामा का नंबर है, भाई बहन किसी का भी नंबर हो तो हम खुद अलाउ करते हैं। हमारी जो फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी, जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होगी वो भी यहाँ पर हम अलाउ खुद करते जाएँगे। यहाँ पर एक्सेस हमने खुद यहाँ पर सारी एक्सेस दे दी इस एप्लीकेशन को। अब इस एप्लीकेशन का काम क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख के यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मुझे OTP आ चुका, मैं अब इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो लोन अप्लाई कर सकते हैं वो राउंड अबाउट 50,000 है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इनके बैंक अकाउंट्स आते हैं यहाँ पे A to Z, यहाँ पे फ़िलहाल ये ओपन तो नहीं हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे अभी हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको 50,000 लोन कभी भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे चीज़ देख लें तो यहाँ पे हमसे आईडी कार्ड वगैरह लिया जाता है, यहाँ पे फेस की वेरिफिकेशन होती है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे अलाउ हम कर देते हैं तो उसके बाद ये हमसे
सब कुछ लेने के बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद हमसे ये बात करते हैं, सम टाइम ये कॉन्टैक्ट भी नहीं करते एप्लीकेशन वाले, ठीक है, और हमसे कॉन्टैक्ट किए बगैर ही ये जो हमें रिजेक्ट कर देते हैं लोन के लिए। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन पे लोन लेना है, ये एप्लीकेशन न्यू है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हमने लोन लेना है, ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे लिखा रीपे ऑन टाइम मोर अमाउंट, रीपे ऑन टाइम लॉन्गर टर्म, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी अगर आप रीपे नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो सूद शरह है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, यानी कि आपके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा ये अगर आप यहाँ पे इनको लोन जो है ना वो वापस नहीं करेंगे। हालांकि इस एप्लीकेशन वालों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ठीक है, और यहाँ भी हमारा जैसे फ़ोन नंबर होता है, अगर मैं अपनी सारी चीज़ें अप्लाई करूँ यहाँ पे तो क्या होता है कि अब वो मुझे लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको एज अ मुस्लिम आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपने इसके ऊपर लोन अप्लाई नहीं करना। और अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने स्टार्ट से यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि आपकी जो सारी आपका जो डाटा वगैरह है वो यहाँ पे हम अलाउ करते हैं, ये ले लेते हैं, उसके बाद डाटा सेल करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सेल करते हैं, उसके इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोन, ये आपको लोन दे देंगे, अगर शायद ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार ये लोन आपको दे देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे, बट हमारा जो डाटा है ना वही चोरी करके आगे सेल कर देते हैं कंपनीज़ वाले के। आप देखते होंगे हमें मैसेज आते हैं, जी तो पाकिस्तान की तरफ से आपको इतना इनाम मिला है, फलांस जगह से आपको इतना इनाम मिला है, वो ये जो एप्लीकेशन वाले आते हैं ये हमारे जो डाटा होता है वो ये आगे सेल करते हैं, उसके इनको पैसे मिलते हैं। तो आपने कभी भी इस एप्लीकेशन पे है ना वो लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आपने करना है तो आप किसी बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती हैं वो बहुत सी फेक होते हैं जिसके ऊपर हम लोन अप्लाई करते हैं और हमारे साथ स्कैम होता है और हमारा जो डाटा वगैरह होता है वो लीक हो जाता है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो सेल होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और दोस्तों यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, टोटली स्कैम होता है, तो आपने इसके ऊपर स्कैम नहीं करवाना। अपना जो डाटा होता है, अपनी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, हमारे फैमिली के नंबर्स होते हैं, वो आपने सिक्योर रखने हैं और यहाँ पे आपने एक्सेस नहीं देने, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा दें ताकि आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।